प्रोग्राम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट अरविंद और आज हमारे साथ जुड़ी हैं वसुंधरा जी। वसुंधरा जी म्यूजिक में पीएचडी कर रही हैं और म्यूजिक प्रोफेशन में 5 साल की उम्र से जुड़ी हुई हैं। वसुंधरा जी सारेगामा पा लिटिल चैम्प एंड छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसे टीवी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लता दीदी, सदगुरु जी जैसे बड़ी बड़ी हस्तियों से मिल चुकी है। उत्तराखंड के सीएम द्वारा भी इन्हें अवार्ड दिया जा चुका है। दिव्यांग होते हुए भी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचना कैसे मुमकिन हुआ, यह जानने के लिए प्रोग्राम के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हकीकत विद वसुंधरा जी। वसुंधरा जी आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम हकीकत में। धन्यवाद अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी श्रोताओं को। वसुंधरा जी मेरा पहला सवाल आपसे है कि हाल में आपका एक सॉन्ग रिलीज हुआ रंगरेज रे, जो कि 4 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुआ, तो मुझे ये गाने को लेके आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, मुझे इस पे कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, रंगरेज रे जो सॉन्ग था इसको अक्षत क्रिएशंस ने रिलीज किया था, जिसके डायरेक्टर बीएस बिष्ट जी थे, मीतू पर्णा चक्रवर्ती जी थी और म्यूजिक डायरेक्टर जॉय चक्रवर्ती भैया थे। और इसका जो डुएट सॉन्ग था जिसको मैंने और पवनदीप राजन भाई ने गाया था, तो एक्सपीरियंस अपने में बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा अनुभव था इसको, इसके एक एक शब्द को गाने में, इसके एक एक शब्द को जीने में। बेसिकली जब आप गाते हैं तो एक एक शब्द को महसूस करते हुए इतना अच्छा अनुभव मुझे हो रहा था और मैं खुश भी बहुत थी, क्योंकि ये सॉन्ग मुझे पवनदीप राजन भाई के साथ गाने को मिला एज ए डुएट सॉन्ग, जिनको सब जानते हैं, वो इंडियन आइडल 12 के विनर रह चुके हैं। तो रिकॉर्डिंग से लेके इसके हर चीज में बहुत बहुत मुझे सुखद अनुभूति हुई इसको करते हुए। या वसुंधरा जी मेरा अगला सवाल है कि रंगरेज जो ये आपका गाना था, इसके रिकॉर्डिंग के दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा या कुछ चैलेंजेस, ऐसा कोई चैलेंजेस हुआ है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे? जी नहीं, चैलेंजेस मैं नहीं कहूंगी कि फेस हुए, ओवरऑल बहुत इंजॉय किया हमने जो प्रोसेस था इसको रिकॉर्ड करने का। और जो म्यूजिक डायरेक्टर थे जॉय भैया, वो स्पेशली दिल्ली आए थे रिकॉर्ड करवाने ये सॉन्ग, और उन्होंने जो गाइडेंस दी कि एक एक शब्द को किस तरह बोलना है, और उससे जो है बहुत इंजॉय किया, एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। और क्या बोलते हैं उसको कि एक जो मैं ये बस एक बात कहना चाहूंगी कि जब मैं सारेगामा पा लिटिल चैंप्स में थी तो उस टाइम पे मैं स्टूडियोज में रिकॉर्ड करती थी, लेकिन काफी टाइम बाद मैंने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया, तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा मैं नर्वस थी शुरू में कि कैसे कैसे होगा सब कुछ, बट जो एक्सपीरियंस था, जो प्रोसेस था, उसको हमने पूरी तरह से एंजॉय किया, तो बहुत एंजॉयबल एक्सपीरियंस रहा। काफी अच्छा वसुंधरा जी, मेरा अगला सवाल है आपसे, एक गाना आपका और भी आया था कि जो कि पिछले महीने रिलीज हुआ, रे धर्म जरा तू जाग जरा, तो ये गाने को लेके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये गाने को लेके? बिल्कुल, धर्म जरा तू जाग जरा एक ऐसा सॉन्ग था जो कि ये जब आप सुनेंगे तो आपको ये लगता है कि कितना एनर्जी है इस सॉन्ग में, बहुत ही एनर्जेटिक सॉन्ग है, बहुत ऊर्जा से भरा हुआ है, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इसे रिकॉर्ड करने में। और
मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैंने अपने आप को इसके लिए मुझे थोड़ा सा ढालना पड़ा, क्योंकि मैं इसलिए ये शब्द यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है और मुझे फीडबैक मिलता रहा है कि मेरी आवाज सॉफ्ट सॉन्ग्स के लिए या जो सॉफ्ट मेलोडी या सॉफ्ट जॉनरा होता है उनके लिए ज्यादा सूट करती है आवाज। तो यहाँ पे मेरे लिए एक चैलेंज या ये कह लीजिए कि मेरे लिए एक्सपेरिमेंट का टाइम था कि मैं अपनी वर्सेटैलिटी दिखा सकूं। तो धर्म जरा तू जा जरा में मैंने थोड़ी वॉइस मॉड्यूलेशंस करने की कोशिश की, थोड़ा स्टाइल चेंज करने की कोशिश की और आई आई बिलीव कि सबने उसको बहुत सराहा रिसीव किया मैंने। नहीं, वैसे भी आपका रे धर्म जरा तो ये गाना आपका अराउंड 4 लाख से ज्यादा, आई थिंक 5 लाख के आसपास ये लोगों ने देख लिया है। और वसुंधरा जी, मुझे ये पूछना था कि रंगरेज रे जो आपका गाना था और रे धर्म जरा तू जाग जरा, दोनों मतलब ये एक तो काफी हाई पिच पे सॉन्ग था और एक एक अलग मेलोडी टाइप में, तो ये कैसा रहा, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा लगा आपको ये? बिल्कुल, बहुत ही एनरिचिंग था। और जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये दोनों ऐसे सॉन्ग्स थे जिनके जिनका जो जॉनर था वो टोटली अलग है। एक में आपको पूरी एनर्जी अपनी झोंक देनी है, पूरी एनर्जी आपको डाल देनी है, और दूसरे में आपको अपनी कलाकारी और आर्टिस्ट्री दिखानी और ठहराव दिखाना है। तो वो जो कॉन्ट्रास्ट करने को मुझे मिला वो अपने आप में मैंने बहुत इंजॉय किया। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ बीएस बिष्ट अंकल का भी, जो इसके स्टोरी कॉन्सेप्ट जिन्होंने इन सॉन्ग्स का किया, और म्यूजिक डायरेक्टर्स का भी और डायरेक्टर का भी, कि उन्होंने मुझ पे फेथ रखा कि मैं दोनों जॉनरा निभा पाऊँ और अपना बेस्ट दे पाऊँ। सो थैंक्स टू देम एज वेल। या वसुंधरा जी, ये जो आपने दोनों गाने बैक टू बैक आपने ये अक्षत क्रिएशन के लिए किया, ये दोनों गाने आपने पवनदीप राजन के साथ किया, तो इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा ये दोनों गाने को लेके? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, और एक्सपीरियंस से ज्यादा मैं कहूंगी कि मैं खुश थी कि जो है पवनदीप राजन भाई के साथ गाने को मिल रहा है। हालांकि मैं उनसे पर्सनली मिल नहीं पाई क्योंकि वो बहुत बिजी थे और वो बॉम्बे में थे, और मैंने जो सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग है वो दिल्ली में की, तो मिलना तो नहीं हो पाया। लेकिन खुशी इस बात की थी कि ये दोनों जो है सॉन्ग्स ये पवनदीप भाई के साथ मैं गा पा रही हूँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। और जब आप मुझे लगता है कि जब पूरा गाना सुनते हैं और जब दोनों ही गाने सुनते हैं तो जो मिक्सिंग और मास्टरिंग की हुई है वो सुनने में बहुत ही प्लेजेंट लगता है, बहुत ही कर्णप्रिय लगता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो ये भी आई थिंक एक टेक्नोलॉजी की बाय द ग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी हम ऐसे कोलैबोरेशंस कर पा रहे हैं थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। और सच में रिकॉर्डिंग से लेके हर एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यह वसुंधरा जी काफी सुंदर। और मेरा अगला सवाल आपसे है कि सद्गुरु जी का एक प्रोग्राम था, मैंने कुछ आपके देखे थे वीडियोस हैं, इसमें सद्गुरु जी का एक प्रोग्राम था, वहां पे आपको गाने का मौका मिला था और वहां पे आपने अपने लेखनी से आपके खुद के लिखे हुए गाने आपने वहां पे गाए थे, तो मुझे जानना है कि ये आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सद्गुरु जी के साथ और उनके सानिध्य में गाए और उन्होंने आपसे मिले, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ? बहुत बहुत ब्लिसफुल एक्सपीरियंस था, बहुत ही आनंदमय अनुभूति रही। 12th May 2022 को सदगुरु अपने सेव सॉइल मिशन के लिए सऊदी अरेबिया रियाद आए थे, उस वक्त मैं वहां थी। तो आई गॉट द प्रिविलेज टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने दो गीत मैंने गाए थे, एक तो सत्यम शिवम सुंदरम जो कि स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का है, और दूसरा जो उनका सेव सॉइल एंथम है जिसको सबने बहुत पसंद किया और सब अपनी अपनी कॉम्पोजिशंस उसमें बना रहे थे अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो मुझे लगा कि मैं अगर कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, थोड़ा योगदान दे पाऊँ कुछ सेल्फ कंपोज करके, और हिंदी और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में कुछ अगर मैं लिख पाऊं और सदगुरु के सामने मैं सुना पाऊं उनको, तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। तो ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट था, मेरा छोटा सा प्रयास था, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो ऐसे कि
सदगुरु, जब मैं परफॉर्म करके उतरी और स्टेज से, और जब सदगुरु जा रहे थे स्टेज पे अपने स्पीच देने के लिए, तो उससे पहले उन्होंने मुझे, मेरी तरफ देखा, और मैं एकदम फर्स्ट रो में बैठी हुई थी ऑडिटोरियम के, और उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुझे मेरे सर पे भी हाथ रखा और गले से भी लगा लिया। तो ये उनका ब्लेसिंग्स मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल पाई इस तरह से। ये वसुंधरा जी, मेरा अगला सवाल है कि मुझे कुछ आर्टिकल मैंने आपके रीड किए एंड कुछ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे पता चला कि आप लता दीदी से भी आप मिली हो, और तो मैं जानना चाहता हूँ आपको कैसे लता दीदी से मिलना हुआ और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ आपका। हाँ जी, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, जो हमारे देश की भारत रत्न है, उनसे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने का एक अवसर मिला। जिस वक्त मैं 2007 में सारेगामापा लिटिल चैंप्स में थी, उस वक्त हम लोग को टॉप 5 जो कंटेस्टेंट्स थे सारेगामापा लिटिल चैंप्स के, उनके घर जाने का हमको अवसर प्राप्त हुआ था, मौका मिला था। तो वो भी अपने आप में कैसी दिव्य अनुभूति थी, कि जिसको मैं जितना भी उसको बयान कर पाऊँ, मुझे लगता है वो फीलिंग जो है, वो जो एक इमोशन है, वो बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको इसका एक बताने की कोशिश करती हूँ, कि जब हम उनके घर गए तो बहुत बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत ही शांतिमय वातावरण उनके घर में था, और मानो जैसे साक्षात माँ सरस्वती खड़ी हो हमारे सामने। तो जब उनके हमने पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया, तो सबसे पहले लता जी ने मेरी तरफ देखा और मुझे बोला कि तुम गाओ कुछ। तो मैंने हिम्मत करके जो है, उस टाइम उनका बहुत ही सुपरहिट जो सॉन्ग था महल मूवी का, आएगा आने वाला, वो उनके सामने गाने की कोशिश की, 4 लाइनें, बहुत ही डरते डरते, और कोशिश की बस कि मैं किसी तरह गा पाऊं। तो उनका जो रिएक्शन था, उनका रिस्पॉन्स यही था सुनने के बाद, कि बेटा तुम बहुत सुरीला गाती हो और मेरा बहुत सारा आशीर्वाद तुमको। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो उनके मुंह से जो निकले, वो मुझे याद रहते हैं अभी तक, और प्रेरित करते रहते हैं कि मैं अच्छा से अच्छा कर पाऊं। तो लता जी से मिलना एक बहुत ही यादगार और दिव्य अनुभूति रही मेरे लिए। बहुत अच्छा वसुंधरा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि इवन मैंने आपके ट्विटर पे भी देखा था और कुछ वीडियोस भी मैंने देखा था, आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मोदी जी से आपने आपने मिले थे। मैं जानना चाहता हूँ ये आपने आपकी मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से, अपने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी है, इनसे आपको कब मिलने का मौका मिला था और उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। जी, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे मुझे 2016 में मिलने का मौका मिला था, और उनके लिए परफॉर्म करने का मौका मिला था। उस टाइम वो ब्रसेल्स आए थे, ब्रसेल्स बेल्जियम आए थे, एक डेलीगेशन आया था, और उनको कम्युनिटी को एड्रेस करना था, वहाँ की जो इंडियन डायस्पोरा है बेल्जियम में, उनको एड्रेस करना था। तो उस बीच में मुझे एक राजस्थानी थीम हम लोगों ने प्लान की थी, मैंने और मेरे को म्यूजिशियंस ने साथ में, कि हम ये प्रेजेंट करेंगे। मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ था कि मैं कुछ ऐसे सॉन्ग्स, तो हम, मैंने और मेरे को म्यूजिशियंस ने प्लान किया था एक राजस्थानी थीम हम सर के लिए प्रेजेंट करें, जिसमें मैंने कोशिश की थी गाने की, केसरिया बालम पधारो मारे देश, और कुछ उसमें देशभक्ति गीत भी थे, और हमारे देश में जो और भी फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं उनको भी हमने इंक्लूड करने की कोशिश की, एक मेडली बनाने की कोशिश की, जो हमने उनके लिए परफॉर्म किया था। और उसके बाद जब नेशनल एंथम हम सब प्रेजेंट कर रहे थे और हम सब स्टेज पे थे, तो मोदी जी स्टेज पर आए, और वो एक एक करके सभी जो स्टेज पर प्रेजेंट थे, सारे मेंबर्स, उन सब से एक एक करके मिल रहे थे। तो एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करती हूँ। जैसे ही वो मेरे पास आए, तो उन्होंने, मुझे पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने, जैसे ही वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि हाउ आर यू वसुंधरा, कैसी हो तुम। तो मैं सरप्राइज हो गई, और बहुत अच्छा भी लगा मुझे कि
प्राइम मिनिस्टर सर ने मेरा नेम बोला है, तो मैंने उनको बोला कि सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका आशीर्वाद मुझे मिला है, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। एंड देन बहुत शॉर्ट टाइम था जिसमें मैं उनसे इंटरेक्ट कर पाती, तो मैंने उनको यही कन्वे किया कि सर आपका जो मन की बात प्रोग्राम आता है एवरी संडे, वो मैं रेगुलरली उसको फॉलो करती हूँ, और आपने जो डिसेबिलिटी का टॉपिक उठाया जहाँ पे आपने कहा था कि इन बच्चों को विकलांग नहीं करना चाहिए, दिव्यांग शब्द कह के इनको संबोधित करना चाहिए, तो वो बात मेरे मन को बहुत छू गई सर। तो इतनी सी मुलाकात हुई, इतनी सी बातचीत हो पाई, लेकिन वो बहुत मेमोरेबल बन गया उस, और इस बात को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि वसुंधरा बहुत सारा आशीर्वाद तुमको, गॉड ब्लेस यू बेटा। तो ये एक छोटी सी मीटिंग थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ये मीटिंग हो पाई एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है सुन के कि उतने कम समय में आपने आपकी बात कह पाए। और मेरा अगला सवाल है वसुंधरा जी कि उत्तराखंड के जो सीएम है उनके द्वारा भी आपको कुछ अवार्ड मिल चुके हैं। मैं जानना चाहता हूँ वो अवार्ड आपको कभी मिले थे और किस प्रोग्राम में मिले थे। जी 2008 में जो उस वक्त फॉर्मर सीएम थे उत्तराखंड के श्री भुवन चंद खंडूड़ी जी, उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था बॉम्बे में, सॉरी दिल्ली में उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें मैं तो पर्सनली अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन क्योंकि मैं सारेगामा पा के शूटिंग में और अदर शोज में बिजी थी, लेकिन उन्होंने मेरे पापा को इनवाइट किया और वो दिल्ली में उस ऑडिट उस प्रोग्राम को उन्होंने अटेंड किया, और जो हमारे सीएम सर थे उन्होंने मुझे उत्तरायणी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि सीएम सर ने मुझे इस पुरस्कार से सम्मानित किया, एंड मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये पुरस्कार दिया गया था। उसके अलावा मेरे साथ जो और भी लोग थे जिन्होंने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है बड़े बड़े मंचों में, तो जैसे चेस प्लेयर्स हैं और डांसर्स हैं, तो उनको भी सम्मानित किया गया था इस पुरस्कार से। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे भी इस सूची में शामिल किया गया और मुझे भी ये पुरस्कार दिया गया। काफी अच्छा वसुंधरा जी। और मेरा अगला सवाल है आपसे, आपको या आपके पेरेंट्स को कब लगा कि आपको सिंगिंग प्रोफेशन सेलेक्ट करना चाहिए, या फिर आपने हाँ जी, कैसे तो डिसीजन लिया कि आप मुझे सिंगिंग प्रोफेशन में ही जाना चाहिए। हाँ जी, तो इंटरेस्ट तो मेरे पेरेंट्स को तब पता चला था कि जब मैं 2.5 साल की थी, तो मैंने उनके सामने और एक दो फैमिली फ्रेंड्स आए हुए थे उनके सामने जब मैंने गुनगुनाना शुरू किया, और जब उन्होंने ये देखा कि मुझे पूरा सॉन्ग याद है, मैं आपसे शेयर भी करना चाहूंगी, वो जो फर्स्ट सॉन्ग मैंने उनके लिए गाया था वो था बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती है नदियाँ, 2.5 साल की उम्र में। तो जब उन्होंने ये नोटिस किया कि इसको पूरा सॉन्ग याद है, क्योंकि हमारे घर में सुनने का बहुत शौक है सबको, तो ये गाने उस वक्त चलते रहते थे, उनकी कैसेट्स चलती रहती थी, तो मुझे कहीं ना कहीं वो कंठस्थ हो गए थे, मुझे याद हो गए थे। तो जब मेरे पेरेंट्स ने देखा कि इसको सब कुछ याद है और इसको और भी गाने याद है, तो वहां से मेरे पेरेंट्स ने एनकरेज करना शुरू किया कि ये संगीत सीखे और अच्छे से तालीम हासिल करे, शिक्षा ग्रहण करे, और एज अ प्रोफेशन जो है वो तो बहुत बाद में आया। इनफैक्ट जब मैं सारेगामा में मेरी एंट्री हुई, उसके बाद से ही सीरियसली ये सोचा गया कि हाँ जी मैं विधिवत जो है शिक्षा ग्रहण करूं एंड एज अ प्रोफेशन भी मैं ले सकूं। हालांकि मैं अभी एकेडमिक्स में भी फोकस कर रही हूँ साइड बाय साइड, बट स्टेज परफॉर्मेंसेस और एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व होना सिंगिंग प्रोजेक्ट्स में, ये सारेगामा के बाद ही डिसाइड हुआ। वसुंधरा जी मुझे एक चीज काफी शॉकिंग लगा कि आपने 2.5 साल की उम्र में पूरा गाना याद कर लिया और आपने उसको आपके फैमिली मेंबर में जब भी गाना सुना है तो लोगों ने लाइक वो उसी को लेके लोगों को लगा कि ठीक है ये इनके लिए शायद ये प्रोफेशन सही रहेगा।
मुझे एक्चुअली काफी शॉकिंग लग रहा है कि 2.5 साल में तो हमें एबीसीडी भी नहीं आता था, मैं अपना बता रहा हूँ। काफी अच्छा लग रहा है ये चीजें जान के और सुन के, चीजें मुझे कहीं और भी सुनने के लिए नहीं मिली थी इंटरनेट पे, और भी आपके लिए जो भी कुछ आर्टिकल सब जगह पे कुछ नया सुनने के लिए मिला मुझे, काफी अच्छा लगा। वसुंधरा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि 2007 और 2008 में सारेगामा जो प्रोग्राम्स था और एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बराबर, इसके ये प्रोग्राम में ये जो टीवी शो था, इसके बाद आप कहाँ पे गायब हो गए? काफी उसके बाद तो आपने काफी टाइम के बाद दिखे, तो उसका इसका इसका रीजन क्या था? हाँ जी, उन रियलिटी शोज को करने के बाद एक्चुअली दो रीजंस थे, मैं आपको अगर बताऊं तो। एक तो ये कि हमारी फैमिली की जो है ट्रांसफरेबल जॉब है मेरे फादर की, तो बहुत साल ऐसे हुए कि हम लोग इंडिया में नहीं रह पाए। तो इंडिया में ना रह पाने के कारण बहुत सारे रियलिटी शोज में नहीं अटेंड कर पाई, बहुत सारे लोगों के साथ जो है उतना हम लोग टच में नहीं रह पाए डिस्पाइट गेटिंग ऑफर्स। तो ये एक रीजन रहा। और दूसरा ये भी रीजन रहा कि मुझे लगा पर्सनली कि सारेगामापा और छोटा पैकेट बड़ा धमाका से जो रिकग्निशन मिला, वो फेम मिला, उसके लिए तो मैं आज भी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ एंड मैं उसे बहुत वैल्यू करती हूँ। लेकिन मुझे एक तो ये लगा कि मुझे अपने सिंगिंग स्किल्स पर और वर्क करना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि सारेगामा पा के समय ही मैंने विधिवत जो है क्लासिकल म्यूजिक जिसको बोलते हैं राग संगीत सीखना शुरू किया था। और मुझे लगा कि आगे अगर आवाज को जो है परिपक्व होना है, या आगे अगर काम चाहिए, या आगे अगर आप चाहते कि लोग आपको अप्रिशिएट करें और आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करें, तो उसके लिए अपने स्किल्स पर काम करना बहुत जरूरी है। तो सारेगामापा के बाद और छोटा पैकेट बड़ा धमाका के बाद मुझे लगा कि मुझे अपने क्लासिकल म्यूजिक पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा एक स्टेप बैक ले लिया कि मैं अपने स्किल्स को पॉलिश करूं। और दूसरा ये भी मुझे लगता है कि उस टाइम पे रियलिटी शोज जो थे 2007 और 8 के टाइम पे, 2007 और 8 के टाइम पे जो रियलिटी शोज आते थे, वो कहीं ना कहीं फिर भी टैलेंट पर फोकस करते थे। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। उसके बाद धीरे 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 जो है स्टोरीज जो है कंटेस्टेंट्स पर जो स्टोरीज बनने लगी, वो ये भी कुछ एक डिस्कम्फर्ट मेरे मन में था। तो इसलिए मुझे पर्सनली लगा कि मैं अपने स्किल्स पर वर्क करूं। लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ अक्षत क्रिएशंस का भी और आप सबका भी कि मेरे इस टैलेंट को आप सबने सराहा, अपना आशीर्वाद दिया, जितना भी थोड़ा बहुत मैं कर पाती हूँ बाय गॉड्स ग्रेस। तो थैंक्स टू एवरीबडी। वो सुंदरा जी काफी अच्छा, एंड मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका रंगरेज गाना था वो मैंने कम से कम 30 से ज्यादा बार मैंने खुद सुना वो गाने को। थैंक यू सो मच। आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है, और ऐसे ही अपना आशीर्वाद प्लीज बनाए रखिएगा। वसुंधरा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, संगीत से जुड़े कुछ ऐसी यादें या फिर ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे जो आपने कभी सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कहीं पर रियलिटी शो में आपने शेयर नहीं किया हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? हाँ जी बिल्कुल। सारेगामा के दौरान कई लोगों को ये शायद नहीं पता होगा कि संजय लीला भंसाली जी, जो कि बॉलीवुड में सब उनको जानते हैं, उनके बहुत टॉप क्लास प्रोडक्शन होता है, मूवीज उनकी टॉप क्लास होती हैं, उन्होंने पर्सनली जो है जी टीवी वालों को, जो उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको फोन किया था, क्योंकि उनको पर्सनली मेरी आवाज काफी अच्छी लगती थी। सो ही वांटेड टू पर्सनली मीट मी, और इसलिए उन्होंने जी के मेंबर्स को कांटेक्ट किया कि मैं वसुंधरा से मिलना चाहता हूँ, आप प्लीज उसे मेरे घर लाइए। तो मीटिंग संजय लीला भंसाली जी एंड मैं आपको वो एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब हम उनके घर गए
वहां पे सर भी बैठे थे और उनके सामने इस्माइल दरबार सर भी बैठे थे। वो किसी प्रोजेक्ट के लिए डिस्कशन कर रहे थे दोनों, और वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उनकी जो मदर है लीला भंसाली जी, उनसे भी मिलने का मुझे मौका मिला। एंड संजीव लीला भंसाली जी को, सर को मेरी वॉइस काफी उनको मन से पसंद थी। इनफैक्ट उन्होंने मेरी मम्मी से ये बात शेयर की थी कि जब भी मैं शूट पे होता था और मेरी वो अपनी मम्मी के बारे में कि लीला भंसाली जी जब टीवी देख रही होती थी, तो मैं उनको बोलता था कि जब वसुंधरा का परफॉर्मेंस आए तो फोन पर मुझे सुना देना। तो ऐसा उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। एंड जब भी मैं चेरिश करती हूँ वो बातें, तो आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड। और मुझे याद है अभी तक भी मेरे पास वो है कि उन्होंने उस टाइम, उनकी एक मूवी निकली थी सांवरिया, तो उसका उसकी जो एक सीडी थी, उसकी जो एल्बम की सीडी थी, उसमें उन्होंने मुझे अपने ऑटोग्राफ करके भी दिए थे। तो आज तक मैंने संभाल के रखी है, एक बहुत ही प्रेशियस मेमोरी है मेरे पास। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो शायद कई लोग नहीं जानते, और ना मैं सोशल मीडिया पे कभी उसे शेयर कर पाई अब तक। बहुत सुंदर वसुंधरा जी। मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है और उसकी दो लाइनें आप सुनाना चाहोगे? मेरे फेवरेट गाने तो बहुत सारे हैं, क्योंकि अगर आप एक सिंगर से पूछे कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है, तो माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि आप एक सिंगर होने के नाते आप सब गानों को अपना फेवरेट समझते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ खूबियां आपको दिखती है। बट फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं, तो एक सॉन्ग अभी मेरे जहन में आ रहा है जो मुझे पसंद भी बहुत है, लता लता जी का है। तो मैं बस दो लाइनें आपके लिए उसके उसकी गुनगुनाना चाहूंगी। ये दिल तुम बिन कहे लगता नहीं, हम क्या करें, तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहे लगता नहीं, हम क्या करें। वाह वसुंधरा जी, मैं इसकी तारीफ में कितना करूं। मैं तारीफ, ये मेरे पास शब्द नहीं है और ये दर्शकों को बहुत ही पसंद आएगी आपकी लाइनें। और एक मेरा लास्ट सवाल है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो अपने किस्मत पे दोष देते रहते हैं कि उनके पेरेंट्स सही नहीं है, उनका उनका सिटी सही नहीं है, उनका एजुकेशन सही नहीं, वो मतलब हजारों कमियां जो बताते रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे, क्योंकि आप खुद एक एग्जाम्पल हो? मेरी तरफ से बस यही एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि बाधाएं सबके जीवन में आती है, चैलेंजेस सबके जीवन में आती है। मुझे लगता है कोई भी इससे अछूता नहीं है। जैसे हम अपने ऊपर, अपने से ऊपर वालों को देखते हैं जो कि वेल ऑफ हैं या जिनके पास थोड़े से ज्यादा रिसोर्सेज हैं, तो हम वहां पे कंपेयर करने लग जाते हैं। तो और जब हम कंपेयर करने लग जाते हैं, तो वहां पर जो है एक अभाव महसूस होने लग जाता है कि हम इनसे कम है। अगर हमारे पास ये पर्टिकुलर चीज होती तो हम शायद और आगे जा सकते। लेकिन जो सबसे पहला स्टेप मुझे लगता है वो यही सबको जानना चाहिए कि जो हमारे पास है उसके लिए हम कृतज्ञ रहें, ग्रेटफुल रहें, क्योंकि जो हमारे पास है वो सबके पास नहीं है। और स्पेशली जैसे कई लोगों के पास टैलेंट होता है लेकिन उतना सपोर्ट नहीं होता, तो पहली बात तो कृतज्ञ होना हमें चाहिए कि हमारे पास ये टैलेंट है, ईश्वर ने हमें दिया है, उसको
या तो हम स्वयं पहचाने या जो हमें पहचान पहचान उसकी करवा रहा हो उसके लिए कृतज्ञ हूँ कि हाँ ये हमें रियलाइज करवा रहे कि हमें कितना पोटेंशियल है, और धीरे धीरे जो है एक छोटा छोटा स्टेप उसकी ओर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर, या जहाँ भी आप अपने आप को देखना चाहते हैं उसके लिए धीरे धीरे अपने लेवल पर जितना प्रयास कर सकते हैं वो करें। और जो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम बीच में ही रुक जाते हैं कि ये हो नहीं रहा हमसे या ये यहाँ पे एक बाधा आ रही है, लेकिन जो है अपनी कैपेसिटी में हम जितना कर सकते हैं वो करते जाएं, और हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब कोई आपके एफर्ट्स को देख रहा है और कब जो है वो उसे रिकॉग्नाइज करके आपको 10 कदम और आगे बढ़ा दे। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, और अपने पैशन को जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली आपने सबने हमने जीना है, ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, और लक्ष्य तक एक बार पहुंच जाए तो औरों के लिए भी हम एक किरण बने कि हम उनको भी गाइड कर सके कि हम उनको अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। तो यही मैं एक संदेश देना चाहूंगी। या वसुंधरा जी, तो ये आपने हमारा काफी अच्छा डिस्कशन रहा इवन, और इसके बाद प्रोग्राम के अंत में आपने हमारे समाज को, सोसाइटी को एक बहुत ही अच्छा, बहुत एनर्जेटिक मैसेज भी दिया है। वसुंधरा जी का जो ट्विटर अकाउंट है वो मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से वसुंधरा जी को फॉलो कर सकते हो। और प्रोग्राम के अंत में वसुंधरा जी, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।